रंग बिरंगे चार्जर के बजाय केवल काले और सफेद रंग के ही क्यों होते हैं मोबाइल चार्जर, जाने वजह। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जब स्मार्टफोन्स के साथ चार्जर देती हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि चार्जर के रंग सीमित होते हैं। अधिकतर चार्जर या तो काले रंग के होते हैं या सफ़ेद रंग में ही आते हैं। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जबकि स्मार्टफोन्स के लिए रंग और डिज़ाइन के कई विकल्प हमारे पास होते हैं, लेकिन चार्जर्स में केवल ये दो ही रंग क्यों होते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले अधिकतर फ़ोन के चार्जर का रंग काला आता था, क्योंकि काले रंग के चार्जर्स को आमतौर पर ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी वजह है ये गर्मी को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। काला रंग एक आदर्श उत्सर्जक भी माना जाता है, जो चार्जर को अधिक स्थिर तापमान पर काम करने में मदद करता है। हालांकि अब अधिकतर स्मार्टफोन के साथ हमें सफ़ेद रंग के ही चार्जर मिलते हैं। सफ़ेद रंग का चयन भी कई कारणों से किया जाता है। इसकी पहली और प्रमुख वजह है कि सफ़ेद चार्जर बाहरी गर्मी को अवशोषित नहीं करता, जिससे चार्जर का तापमान नियंत्रित रहता है और ये लंबे समय तक टिकाऊ भी होता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग देखने में साफ और क्लासिक भी लगता है, जो स्मार्टफोन यूजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब हम चार्जर्स की बात करते हैं तो इन दो रंगों के चार्जर तकनीकी रूप से भी बेहतर होते ही हैं। साथ ही इसे बनाने में स्मार्टफोन चार्जर कंपनी को अन्य रंगों की तुलना में लागत भी कम आती है। अगर आप बाज़ार में चार्जर खरीदने जाते हैं तो आपको यही दोनों रंग देखने को मिलेंगे। कंपनियों के लिए ये रंग ना केवल लागत कम रखते हैं बल्कि चार्जर की कार्यक्षमता भी बेहतर बनाते हैं। यही कारण है कि बाज़ारों में चार्जर में अधिकतर समय हमें काला या सफ़ेद रंग के चार्जर ही ऑप्शन में ज़्यादा मिलते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कि आपको सफ़ेद और काले रंग के ही चार्जर होने की वजह पता थी, हमें कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।